ओम शांति। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी जर्नी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हम एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को दुआएं देते हैं। आपका जीवन सुखी हो, आपका परिवार सुखी रहे, आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे। जैसे हम दूसरों को कहते हैं ना, वैसे हम भी चाहते हैं हम सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। बिकॉज हैप्पीनेस इज फॉर एवरीवन। लेकिन कई बार हम देखते हैं किसी के पास स्वास्थ्य है लेकिन धन नहीं, किसी के पास बहुत अच्छा धन है लेकिन दवाइयों के ऊपर जीवन चल रही है, किसी के पास स्वास्थ्य भी है धन भी है लेकिन प्यार करने वाले रिश्ते नहीं, तो सुखी नहीं। तो ऐसा क्या करें सुख के लिए? सिर्फ तीन बातें ध्यान में रखें, और वो तीन बातें कौन सी वो बात है जो मेरी सुख की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख और शांति आ रही है? क्यों सुख और शांति के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं? इसी के लिए सिर्फ आज तीन मंत्र को देखेंगे। मेरी सुख की एनर्जी जिससे ब्लॉक होती है, नंबर वन बात, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, बार बार टोकना। स्टॉप दिस। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं ना, माना उनके अंदर की खामियां, उनके अवगुण, उनके दोष का, कमियों का वर्णन करते हैं, कई बार हम उनके धन की संपत्ति की निंदा करते हैं, उनके रिश्तों की, अचीवमेंट्स की, उनके प्रॉस्पेरिटी की, उनके टैलेंट्स की, कार्य की, प्रयत्नों की निंदा करते हैं। मालूम है मैंने क्या किया? मैंने खुशी की, सुख की, समृद्धि की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। किसके लिए? मेरे जीवन के लिए। उन्हें मिल रही अपॉर्चुनिटीज को मैंने उसकी निंदा शुरू की। मैंने अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को रोक दिया। किसी ने गलत काम किया तो बी केयरफुल। ठीक है, उसने गलत काम किया, उसका रोल था, हम नहीं सुधार सकते, लेट गो, छोड़ दो। बट डोंट थिंक, डोंट कमेंट, डोंट क्रिटिसाइज। जितनी हम दूसरों की निंदा करते जाते हैं उतनी गलत एनर्जी फैलती जाती है और हमारे जीवन की सुख की एनर्जी, शांति की एनर्जी ब्लॉक होती है। प्लीज स्टॉप दिस। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं से बातें करें। आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आपके साथ कौन बोल सकता है? सबसे ज्यादा ऑनेस्टी से आपके साथ कौन बात कर सकता है? आपका अपना मन। अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप से बातें करें।
अपने आप से पूछे, आज मेरी गलती कहाँ हुई? कहाँ कोई एक शब्द जिससे कोई हर्ट हो गया, एक वाक्य, एक SMS, मेरा टोन, मेरी मिस्टेक कहाँ हुई? प्लीज रियलाइज योर मिस्टेक्स। जब तक हम मिस्टेक्स को रियलाइज नहीं करते ना, तब तक एक मिस्टेक और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। जब तक हम अपनी मिस्टेक्स को, गलती को सुधारते नहीं है, तब तक वो गलती और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जाएंगी, समस्याओं को लाती रहेंगे। और इसी से मेरे जीवन के सुख के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। मेरी अपनी गलतियां, अनरियलाइज मिस्टेक्स, दे ब्लॉक द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस। प्लीज रियलाइज योर मिस्टेक्स। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हम दूसरों से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। कई बार कहते, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे लिए दुआ करो, आप आपकी दुआओं में हमें रखो। हम उस भगवान से ब्लेसिंग मांगते, आशीर्वाद मांगते, हे भगवान कृपा करो, दुआ कर। लेकिन ये दुआ कब आएगी? जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तब ना। श्रेष्ठ कर्म माना क्या? बेस्ट से बेस्ट कर्म, बेस्ट से बेस्ट कर्म। कौन से? दूसरे को निस्वार्थ सहयोग करना, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई अपेक्षा उन्हें मदद करना, निस्वार्थ स्नेह देना, दूसरों को आगे बढ़ाना, उन्हें दुआ देना, ब्लेसिंग्स देना, उन्हें प्यार देना, उन्हें समझना, उनका सुनकर लेना। और इस सब के पीछे बहुत अच्छा शुभ भाव, बहुत अच्छी शुभ भावना। जब हम ये करते हैं ना, तब दुआ मिलती है, डबल मिलती है। एक तो उन आत्माओं से और दूसरा परमात्मा से। सोचो, जहां परमात्मा की दुआएं हैं, वहां तो सिर्फ सुख ही सुख है। वह कोई भी विघ्न, कोई भी प्रॉब्लम ठहर ही नहीं सकता। तो ध्यान क्या रखना है? आज सिर्फ तीन बातें करनी है, जिससे मेरे सुख की एनर्जी जो ब्लॉक हो गई है, वो सारे रास्ते खुल जाए, मेरे जीवन में सुख आने के रास्ते ओपन हो जाए। नंबर वन, आज से किसी की निंदा करना, टोकना बंद। सेकंड, रोज अपनी गलती को महसूस करना, उसे सुधारना। एंड थर्ड, श्रेष्ठ कर्म करना। और फिर देखो, एवरी डे विल बी हैप्पी डे, हैप्पी डे, हैप्पी डे।